हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये मई का सेकंड वीक की रीडिंग है 8 to 15 के लिए। सो लेट्स चेक आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द सेकंड वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर एरीज फॉर द सेकंड वीक ऑफ मई। Four of Moon in reverse. Astronomer in reverse. Four of Sphere in reverse, 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 reverse. Now Pope in reverse. सब कुछ reverse series. How is it possible? अजीब बात है, but अगर हम इस रीडिंग को देखना चाहें तो इस रीडिंग का इंटरप्रिटेशन ये बैठता है, पॉसिबली यहां कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं मई के सेकंड वीक में जो आपको चीट करें। पोप रिवर्स में आने का मतलब है, अगर ये सीधा कार्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि लोग जो है वो लॉयल रहते हैं और डेडिकेटेड रहते हैं आपसे। बात ये रिवर्स में है, इसका मतलब है कि जो लोग हैं वो आपसे चीजें हाइड कर सकते हैं सेकेंड वीक में अगर आपके पार्टनर हैं। और वर्क प्लेस पे भी ऐसा हो सकता है कि लोग आपसे चीजें हाइड करें, साफ साफ ना बताएं। यहां चीटिंग की टेंडेंसी हो सकती है, ओके, चीटिंग की टेंडेंसी हो सकती है। और इसके अलावा यहां आया फोर ऑफ स्फीयर इन रिवर्स, यहां किसी तरीके का ग्रीड भी हो सकता है, किसी तरीके का लालच भी हो सकता है कुछ लोगों का आपसे या आपके पार्टनर का आपसे। हो सकता है कि जो आपके पार्टनर है वो मॉनेटरी बेनिफिट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हो आपसे इस वीक में। और ये भी हो सकता है एरीज, अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो प्लीज बी अवेयर, वर्क प्लेस पे अगर हैं कोई आपको चीट कर सकता है, आपसे कुछ पैसे वगैरह ले सकता है जो कि उसे नहीं लेने चाहिए, ओके, यहाँ पे। और इवन नॉट, अगर वर्क प्लेस की भी बात नहीं तो ऐसा कुछ यूजुअल लाइफ में भी हो सकता है जहां आप ज्यादा पे कर दें किसी चीज के लिए या किसी चीज के लिए पे करें और आपको वो सर्विस ना मिले। यहां एस्ट्रोनॉमर इन रिवर्स है, इतना कुछ होने के बावजूद भी एस्ट्रोनॉमर इन रिवर्स का मतलब है कि आप जो है खुद को वीक नहीं होने दे रहे, अपने आप को गिरने नहीं दे रहे यहां पे, और सिचुएशन से फाइट करने की हालत में है अभी भी। ये दो कार्ड आप देख रहे हैं, अगर आपको वाकई में ऐसे लोग मिलते भी हैं इस वीक में तो भी आप उन्हें पहचान लेंगे और वक्त रहते आप उन्हें फिगर आउट करके उनको अपने लाइफ से गेट आउट भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर का कार्ड यहाँ रिवर्स में है तो इसका मतलब है कि आप एक तरीके के डार्कनेस से बाहर आ रहे हैं। यहां है फोर ऑफ मून इन रिवर्स, सिक्स ऑफ मून इन रिवर्स एक्चुअली। तो सिक्स ऑफ मून इन रिवर्स का मतलब है कि यहां पे आप थोड़ा सा ड्रीमी फील कर सकते हैं, आप थोड़ा सा ग्राउंड से कॉन्टेक्ट खो रहे हैं एरीज, इसी चीज का फायदा शायद दूसरे लोग उठा सकते हैं। आप ग्राउंडेड नहीं रहेंगे इस वीक में, थोड़े ज्यादा आप एब्सेंट माइंडेड हो सकते हैं या खोए हुए रह सकते हैं, उसका एडवांटेज कोई और ले सकता है, चाहे बात हो आपके रिलेशनशिप की या वर्क प्लेस की। और यहां पे एस्ट्रोनॉमर कार्ड के साथ दिख रहा है कि आप उन चीजों को पॉइंट आउट करेंगे और उसमें से बाहर निकल पाएंगे। अगेन ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, रेजोनेट कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, रिवर्स एनर्जी में भी रेजोनेट हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। और इसके अलावा
अगर आप चाहें तो प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली वीक की रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। फोर ऑफ स्टार और रिवर्स एरीज, पहला कार्ड जो कि स्ट्रेट आया है, अपराइट आया है, एट ऑफ स्टार्स। प्रोफेटस इन रिवर्स, द स्टार। बहुत वियर्ड रीडिंग है जो कि यहां आप देख रहे हैं, एट में से सिक्स कार्ड्स रिवर्स में है, ऐसा यूजुअली नहीं होता है, बट यहां पे जो भी कार्ड्स है हमें उन्हीं को इंटरप्रेट करना है। प्रोफेटस इन रिवर्स, यहां पे किसी ने आपको कुछ कहा हो सकता है इंटेंशनली आपका काम बिगाड़ने के लिए। एरीज, इस वीक में हो सकता है कोई इंटेंशनली, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, ऐसा कोई फ्रेंड, ऐसा कोई कलीग, ऐसा कोई भी इंसान जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी स्फेयर से आता हो लाइफ के, आपको कुछ ऐसा बोल सकता है जिससे आपका काम बिगड़े। स्पेशली यहां द स्टार का कार्ड है, धोखा क्लियरली, तो यहां पे आपको कोई हो सकता है जो कोई ऐसी एडवाइस है जो जिससे आपके साथ धोखा हो जाए। एंड द प्रोफेटस का कार्ड है यहाँ पे, पॉसिबली फीमेल हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है, जेंडर इतना मायने नहीं रखता, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे धोखा हो सकता है, पॉसिबली फीमेल हो सकती है जो आपको कुछ ऐसा बोले जो आपके अच्छे के लिए नहीं है और आपका काम खराब करे। एंड एट ऑफ स्टार के साथ आपके ख्याल जो है इस वक्त बहुत बंद है, आप ज्यादा आइडिया लेना नहीं चाहते और देना नहीं चाहते इस वक्त में, शायद यही सही भी है। यहाँ पे फोर ऑफ स्टार्स के साथ मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इस वीक में कहेंगे कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि आप सेल्फ एनालिसिस करना चाहते हैं, आप खुद अपने लिए रास्ता खोजना चाहते हैं, इट डार्क स्टार्कनेस में से आप बाहर आना चाहते हैं। सो आप लोगों को ये कहेंगे मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपनी चीजों को खुद सोच के खुद प्लान करूंगा या करूंगी, और आप उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं। इस समय आप क्लोज्ड हैं बाहर वाले लोगों के लिए, ज्यादा किसी को एंटरटेन नहीं करना चाहते। चलिए आपके लिए ओरेकल मैसेजेस देखते हैं। एरीज, मैसेजेस फॉर एरीज फॉर द सेकेंड वीक ऑफ मे। लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। इतने सारे रिवर्स कार्ड मैं सोच रही थी और अब देखिए ओरेकल इसके साथ कितना मैच करता हुआ आया है, इसको शायद ऐसे ही आना था। ओरेकल आपसे कह रहा है जो आपको सही लगता है आप वो कीजिए, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग, आपको आगे अभी बहुत कुछ पता चलेगा एरीज, अभी बहुत कुछ सीखने के लिए है। आप ऑफ़न जल्दबाजी में किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, आप ट्रस्ट कर लेते हैं, लोग डाउट करते हैं जिन बातों पे, उन पे भी आप आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं, और ये जो ट्रस्ट की हैबिट है इसे आपको वीक मई के सेकेंड वीक में थोड़ा संभल के यूज करना है। अगर आप हर किसी पर ट्रस्ट करेंगे तो प्रॉब्लम में पड़ेंगे। इनफैक्ट ये जो प्रोफेटस का कार्ड है यहाँ पे यही शो कर रहा है कि कोई भी पर्सन हो, चाहे आपका क्लोज भी हो, आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आपके कोई ऐसे कजन्स या कोई भी ऐसा जिसको आप बहुत क्लोज समझते हैं एंड वो आपको कोई एडवाइस करे, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल डाल सकते हैं, ये चाह रहे हो सकते हैं कि आप एक दायरे में कैद हो जाएं, ठीक है। और आपके लिए आगे एक लेसन अनफोल्ड हो रहा है जिसे आपको सीखना है, और तभी आपको पता चलेगा कि आगे क्या करना है और क्या नहीं।
सो ये थी आपकी सेकेंड वीक की रीडिंग मेकी. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.